हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीका, कनाडा और बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी और तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अल्बर्टा सूबे में मौसम शदीद सर्द, बिजली का लोड बढ़ने से मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद। टोरंटो में आने वाला हफ्ता सर्द तरीन होने का इम्कान। कनाडा में महंगाई और रिहाइश का बहरान, बैन अल-अक़वामी तलबा की महदूद तादाद को रहने की इजाज़त देने पर गौर। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि बैन अल-अक़वामी तलबा की तादाद तशवीशनाक है। अमेरिका में शदीद बर्फबारी और तूफानी बारिशें, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। अमरीका भर में 7,600 परवाजें ताखिर का शिकार। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में आइंदा हफ्ते के लिए बर्फबारी की वार्निंग जारी। मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में शदीद सर्दी की लहर और मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में शदीद सर्दी की लहर और मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। कनाडा का सूबा अल्बर्टा सबसे ज़्यादा सर्दी की लपेट में रहा, जहाँ दर्ज हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। यह पस्ता हवाओं की वजह से इलेक्ट्रिकल हीटर का इस्तेमाल बढ़ गया। बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल के बाइस सप्लाई का लोड बढ़ने से मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। बिजली की बंदिश से सैकड़ों घरों में अंधेरा छा गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अल्बर्टा के शहर एडमिंटन में सर्दी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड साज शदीद मौसम के बाइस हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी कर दी। एडमिंटन में -42 डिग्री दर्जा हरारत है, जबकि ठंडी हवाओं के साथ -53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सख्त तरीन मौसम और शदीद बर्फबारी की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स मुतासर हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के बाद इलाकों में शदीद बर्फबारी और तूफानी बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आने वाला हफ्ता टोरंटो में सर्द तरीन मौसमी मौसम लाने के लिए तैयार है। मंगल, जुमेरात और जुमे के रोज़ बादलों और तूफान के इम्कान की पेशगोई की गई है, हालांकि सूरज बुध और इतवार को निकलेगा। कनाडा आने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इमिग्रेशन में नरमी देने के बाद कनाडा अपने मुल्क में बैन अल-अक़वामी तलबा की महदूद तादाद को रहने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा आने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इमिग्रेशन में नरमी देने के बाद कनाडा अपने मुल्क में बैन अल-अक़वामी तलबा की महदूद तादाद को रहने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। कैनेडियन हुकाम की हुकूमत की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उसे महंगाई और घर के किरायों में इजाफे की वजह से तनकीद का सामना है। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर का कहना है कि कनाडा में बैन अल-अक़वामी तलबा की तादाद का हजम तशवीशनाक है। लिबरल हुकूमत इस साल की पहली और दूसरी सहमाही में बैन अल-अक़वामी तलबा की तादाद को महदूद करने पर गौर कर रही है। उन्होंने कनाडा में बैन अल-अक़वामी तलबा की तादाद का हवाला देते हुए कहा, यह हजम तशवीशनाक है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कनाडा में 2022 में 8 लाख से ज्यादा गैर मुल्की तालबे इल्मों के पास फाल वीज़ा था और 2012 में ये तादाद 2,75,000 थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि हुकूमत बैन अल-अक़वामी तलबा की तादाद में किस हद तक कमी पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के लिए आबादी में कमी और बढ़ती हुई उम्र के मसले से निमटने का वाहिद हल इमिग्रेशन रहा है।
جس سے معاشی ترقی بھی ممکن ہوئی۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق امیگریشن کی وجہ سے کینیڈا کی آبادی گزشتہ 60 سالوں میں پہلی مرتبہ اتنی تیزی سے بڑھی ہے، لیکن اب یہ تعداد کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں جسٹن ٹروڈو نے ہاؤسنگ مارکیٹ پر دباؤ کم کرنے کے لیے سال 2025 کے بعد سے نئے رہائشیوں کی سالانہ تعداد 5 لاکھ تک محدود کر دی تھی۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید برف باری اور طوفانی بارشوں کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید برف باری اور طوفانی بارشوں کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے۔ امریکہ بھر میں 7,600 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ نیو یارک، نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ میں 50.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ میشیگن اور وسکانسن میں 3 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شمال، مشرقی اور جنوبی ریاستوں میں یوٹا، وومنگ اور وسکانسن، ایڈہوا بھی سردی کی لپیٹ میں۔ شدید موسم کے باعث US ایئر لائنز نے 2,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ موسمیات نے برفانی طوفان کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کے بیشتر حصوں میں آئندہ ہفتے کے لیے برف باری کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق اسکاٹ لینڈ میں شروع ہونے والی برف باری چند دنوں میں جنوبی حصوں تک پھیل جائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق منگل کو اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور ویلز کے چند حصوں میں برف باری اور تیز و سرد ہواؤں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق منگل کو نیوکاسل، لیڈز، مانچسٹر اور بدھ کو لندن میں برف باری کا امکان ہے۔ دوسری جانب اسکاٹش ہائی لینڈز میں درجہ حرارت -10 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ سرد موسم اور برف باری سے ٹرین سروس اور فضائی سفر میں بھی مشکلات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستانی اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔